बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। मारपीट में युवक की मौत का यह मामला है। अज्ञात लड़कों के साथ मारपीट में रोहित की मौत हुई थी। दुर्गा पूजा मेला घूमने के दौरान यह घटना हुई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मृतक रोहित तिर्की के घर पहुंचे हैं। मृतक के परिजनों से मुलाकात है। लालपुर के लोहरा कोचा में मृतक का घर है। मारपीट में युवक की मौत का ये मामला है और इसी मामले को लेकर अज्ञात लड़कों के साथ बताया गया कि मारपीट हुई थी, जिसमें रोहित तिर्की की मौत हुई है। दुर्गा पूजा मेला घूमने के दौरान ये घटना हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मृतक रोहित तिर्की के घर जाएंगे। मृतक के परिजनों से मुलाकात संभव है। लालपुर के लोहरा कोचा में मृतक का घर है। मारपीट में युवक की मौत का यह मामला है। इसको लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी। वहां पर पहुंच रहे हैं रोहित तिर्की के घर। लालपुर के लोहरा कोचा में मृतक का घर है, जहां बाबूलाल मरांडी पहुंचेंगे। मारपीट में युवक की मौत का मामला है। लोगों में भी इस दौरान आक्रोश देखने को मिल रहा है। अज्ञात लड़कों के साथ मारपीट में बताया गया कि रोहित तिर्की की मौत हुई और इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। बताते चले कि दुर्गा पूजा विसर्जन घूमने के दौरान वहां समझौता हुआ कि इस ओर से नहीं ले जाना है। तो ये हम लोग देश में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं? देखो, ये तो हम सबको समझने की जरूरत है। गढ़वा जिला में दो घटनाएं हुई है। एक तो गढ़वा के बगल में कोई समगांव है, अभी तुरंत मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कल रात में ही वो घटना हुई थी। और रात मैंने कल शाम से ही थे, रात में भी मैंने गढ़वा के अपने वर्करों से मैंने बात किया था और उस समय वही लोगों ने बताया इस रास्ते से लोग नहीं जाने दे रहे हैं। फिर बाद में शायद वहाँ मारपीट भी हुई, गंभीर चोटें भी हुए लोगों को। और उसके बाद संभवतया जो सवेरे मुझे पता चला कि वहाँ दोनों तरफ से पांच पांच लोग बैठे और फिर से दूसरे रास्ते से लोगों ने ले गया। लेकिन आज की घटना चला भंडारिया ब्लॉक के कोई मतगढ़ी यार ऐसा कुछ गांव है, वहाँ भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई। फिर आगे क्या हुआ ये नहीं पता है, लेकिन वहाँ भी लोगों ने रोक करके रखा था कि उधर से नहीं जाने देंगे। इसका बड़ा हंगामा हो रहा था। मुझे लगता है सरकार को एक नियम बनानी चाहिए, जो भी सरकारी मार्ग है, चाहे आरईओ का हो चाहे पीडब्ल्यूडी का हो,
तो उस रास्ते से चाहे हिंदू का पर्व त्योहार हो या मुसलमानों का या किसी भी मातृ संप्रदाय या जाति का हो, तो निर्विघ्न होकर के लोग अपना प्रोसेशन लोग निकाल सके, इस आशय की कानून हमें बनानी चाहिए और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर जिस किसी को भी तकलीफ होता है वो सार्वजनिक सड़क से आने जाने में, तो फिर मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों की जगह घर द्वार दूर में बना देनी चाहिए। इसको भी आपत्ति होता है, चाहे मैं कहता हूँ हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो, अपनी अगर उस सार्वजनिक सड़क से मार्ग से अगर कोई जुलूस प्रदर्शन निकालता है या फिर शोभा यात्रा निकालता है या शादी में कोई बारात आता जाता है, तो हमें लगता है या कोई व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाता है, उसके लाश को भी लोग ले जाते हैं, तो जगह जगह इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। तो हमें लगता है कि सरकार को एक कानून बना देनी चाहिए, सार्वजनिक रास्ता पर कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग किसी को भी नहीं रोकेंगे। सर लेकिन वहाँ गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर का भी नाम आ रहा है, उनका भी प्राश्रय था उन लोगों को। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बिना ऊपर के प्राश्रय के इतना कोई भी हिम्मत नहीं करेगा गड़बड़ करने की, और इसलिए मैंने कहा कि भाई ये कानून बनानी चाहिए और इससे हमें बचना चाहिए कि सरकार को भी इस प्रकार के तत्वों को प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए, जो ये कहे कि भाई इस रास्ते से जुलूस नहीं निकलेगी, इस रास्ते से मोहर्रम नहीं निकलेगी, इस रास्ते से दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होगा, इस रास्ते से रामनवमी जुलूस नहीं निकलेगी। बिल्कुल सार्वजनिक रास्ता सार्वजनिक लोगों के लिए उपयोग में आना चाहिए। हाँ, कोई अगर किसी के विरोध में बोलता है नारा लगाता है उस पर जरूर कार्रवाई करें। सुष्मिता, ये बाबूलाल मरांडी और देखिए रोहित तिर्की के परिजनों से मुलाकात हुई है। रोहित तिर्की के परिजनों को इन्होंने ढाढ़स बंधाया है, उनके सारी व्यथा जो है बाबूलाल मरांडी सुन रहे हैं। देखिए और भी उनके जो परिजन हैं वो त्वरित कार्रवाई की मांग जो है और भी अन्य समस्याओं को सुन रहे हैं। हालांकि देखिए दुर्गा पूजा मेला घूमने के, सर रोहित तिर्की के परिजनों को आपके द्वारा क्या सांत्वना दी गई? देखिए मैंने इतना ही कहा है कि अभी हम बात करें कि प्रशासन से ताकि तुरंत प्रशासन एक्शन ले और तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ घटना घटी है उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ पर कई एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जहाँ की घटना है, तो निश्चित रूप से उसमें कैद हुए होंगे। और फिर मेला का दिन है तो भीड़ भाड़ भी रहा होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों की पहचान आ जानी चाहिए। तो बीजेपी भी सामने में ही बात कर रहे थे सर स्पीकर ऑन करके, क्या लगा कि प्रशासन ने इसमें त्वरित कार्रवाई कर रही है, दिखा रही है तत्परता? तो बोल तो रहे हैं लेकिन अब सुबह से शाम तक अगर घटना परसों की है और कल दिन भर से आज शाम तक में अभी तक कार्रवाई नहीं किया है, तो उससे तो लगता नहीं है कि अभी उन लोगों ने बहुत तेजी किया है कार्रवाई, इससे तो कोई लग नहीं रहा है अभी। फिर आप जरूर रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हम लोग पकड़ लेंगे, हम लोग लगे हुए हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब कल तक तो मैं समझ रहा था कि कल दशमी था तो सारे लोग उसमें व्यस्त थे, लेकिन आज तो दिन भर है, आज तो दिन भर में निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए था, लेकिन अभी तक तो नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं कहता हूं कि आज से लेकर के कल तक उनको पकड़ में आ जाना चाहिए अपराधियों को। अगर कल तक भी पकड़ में नहीं आएंगे तो ये समझा जाएगा कि प्रशासन फेल्योर है। अच्छा, मॉब लिंचिंग को लेकर के विधानसभा में ये कानून भी बने थे सर, लेकिन फिर भी ये घटनाएं थम नहीं रही। देखिए मॉब लिंचिंग तो इस राज्य में 19-20 हो गया है, सरकार के रिकॉर्ड है, तो इसलिए मैं मुझे नहीं लगता है, कानून तो बनता बहुत कुछ है लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है किस प्रकार से होता है महत्व ये रखता है। बिल्कुल, तो देखिए ये प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, हालांकि डीजीपी ने तत्परता दिखाई है फोन पर बातचीत करते हुए, उनके परिजनों को ये कहा है कि एक एक दोषी जो है वो बक्से नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे, सभी पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का ये सवाल है कि भले तत्परता दिखा रहे हैं लेकिन अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? तो ऐसे में देखिए यहाँ पर लोहरा कोचा स्थित ये जगह है जहाँ रोहित तिर्की के बारे में जानकारी मिल रही है कि रोहित तिर्की सांसद बाबाजी भी वहां पर मौजूद हैं, क्या उनसे बातचीत करना संभव है इस वक्त और उनसे जाने की कोशिश आप कर सकती हैं रुचि?
बिल्कुल बिल्कुल, सांसद महुआ माझी की भी उपस्थिति है, महुआ माझी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने डीजीपी के माध्यम से जो है वो परिजनों से भी बात करवाई है। आखिर पूरा मसला क्या था, यही यहाँ के स्थानीय हैं और बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन राज्यसभा सांसद महुआ माझी के तरफ पहले लिए चलते हैं। बिल्कुल, 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 महुआ माझी क्या कहती है इस पूरे मसले पर, और देखिये उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर है। लोहरा कोचा थोड़ी सी संकरा जगह है, लेकिन कुछ यहाँ के स्थानीय भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। रवि जी, आखिर क्या क्या हुआ था, पूरा मसला क्या था? ये घटना आपका नौमी के दिन का है। हाँ। वो रोहित तिर्की जो है अपने मित्रों के साथ में मेला घूमने के लिए गया था, क्योंकि उसकी माताजी ने रात भर उनका इंतजार किया, वो आए नहीं। सुबह सुबह उन्हें पता चला कि उनका एक जो मित्र आलोक करके था, वो उनके घर में एक मोबाइल देता है, बोलता है कि आपका बेटा का मोबाइल है, वो कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो हम पहले भाग गए, वो वहीं रह गया। जब छानबीन होती है प्रशासन के द्वारा, तो पता चलता कि उनकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। हत्या किसने किया, किस मकसद से किया, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अभी तक 36-40 घंटे भी बीत चुके हैं। किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन अपनी ओर से छानबीन कर रही है, पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सांसद महुआ माझी की भी उपस्थिति यहां पर है। देखिए, लड़के की जो माँ यानी कि रोहित तिर्की की माँ है, पिता है, उनसे बात कर रही है, उनको ढाढ़स बंधाने का कार्य कर रही है। लिए चलते हैं सांसद महुआ माझी। मैम, आप डीजीपी से बात करवाई सीधे और सांत्वना भी दे रही है, लेकिन ये इस तरह की घटना जो है हृदय विदारक घटना, बहुत ही दुखद है। और उस माँ से पूछिए जिसके घर में ऐसा हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसकी हत्या हुई है, तो मनोबल कहाँ तक पहुंचा है ऐसे लोगों का। और मुझे तो लगता है कि अगर ग्रुप में वो लोग थे, दोस्त यार ही थे, तो वो लोग कोई बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं होंगे, वो लोग ऐसे ही हुआ होंगे और वो जोश में आके मारपीट हुआ होगा। तो ये देखना है, परिवार की भी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो सावधान रहना। दुर्गा पूजा में मैं भी जब घूम रही थी तो सड़क में मैंने देखा किसी के स्कूटर से अगर गाड़ी में हल्का सा टच हो गया तो वो उतर के मारपीट कर रहे हैं। हमने अपने बॉडीगार्ड से उनको छुड़वाया। ऐसी कई घटनाएं मैंने देखी। तो लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है हर चीज को लेकर, और इस तरह से एक छोटी सी बात पे उसको ले जाके भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ लाखों लोग उस भीड़ में आते हैं, वहां पर अगर घेर के मारते हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और अभी मैंने डीजीपी साहब से बात की, उन्होंने कहा है कि हम लोग तत्काल दोषियों को ढूंढ कर सजा दिलाएंगे। और मैं अपील करूंगी परिवार वालों को भी कि अगर ऐसे आसपास कुछ इस तरह के लोग दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचित भी करें। अगर उस समय पुलिस तक बात आ जाती तो शायद ये घटना नहीं होती, क्योंकि बगल में पुलिस स्टेशन था और वो पंडाल के आसपास भी तो पुलिस की तैनाती थी, फोर्स की तैनाती थी, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया होगा, भीड़ में जाके घुस के कर दिए होंगे। तो सब चीजों को छुपाना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। क्या लगता है, नशे की गिरफ्त में आने की वजह से भी इस तरह के कांड होते? देखिए, नशा भी है, ये तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते, चारों तरफ नशे की चीजें मिल रही हैं। देखिए, छुप के बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, जैसे कई ठेले में अंडा बेचा जाता है, उसके पीछे से नशा की चीजें बेची जा रही है। कहीं दवा का दुकान है, सुना है कि उसमें भी कई बार छुपा के रख देते हैं, जो आते हैं उनको पहले से सेटिंग रहता है देते हैं। तो अगर किसी के परिवार में कोई बच्चा इस तरह से ले रहा है नशा, उसको उनको देखना चाहिए कि वो कहाँ से खरीद रहा है, और तत्काल प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो आपका ही परिवार बर्बाद होगा। तो मैं अपील करूंगी ऐसे अभिभावकों से भी या पड़ोसियों से भी कि अगर इस तरह की सूचना मिले कि कहीं पर नशे की चीजें बिक रही है, अगर आपके मोहल्ले के किसी दुकान में बिक रही है, अगर आपके घर के कोई बच्चा घर का जाके नशा कहाँ से ला रहा है, उसको फॉलो कीजिए और उनके ऐसे दोस्तों को भी ढूंढिए और ऐसे और पुलिस को सूचना दीजिए, तत्काल दीजिए, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग भविष्य में दूसरे बच्चे बर्बाद से बचेंगे और इस तरह की घटना भी नहीं होगी। बिल्कुल, तो देखिए, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये हर संभव प्रयास होना चाहिए। लेकिन इस माँ के दर्द पर मरहम कौन लगा सकता है जिसका बेटा नहीं रहा, और माँ सुबह रात भर इंतजार करती रही, सुबह 7 बजे पता चलता है कि इनके बेटे को चाकू मार दी गई है, और यही वो माता और ये पिता है। तो ये तस्वीरें देखिए रोहित तिर्की के घर के पास का है, जहाँ की अब इनके दुख और दर्द को
पर मरहम लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति यहाँ पर थी, सांसद महुआ माझी यहाँ पर उपस्थित हैं। और देखिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये आश्वासन जो है डीजीपी ने भी दिया है। लेकिन माँ से भी बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, रोहित कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, सबको कमाता था, 10-15 हजार रुपया वो दोस्तों लोग को साथ में, कोई भी लड़का था उसको खिला, जो ये खाएंगे वो खाएंगे खिलाता था भी था मैडम, और हम लोग का नाम से पैसा भी रख देता था मैडम, और हमको भी नहीं देता था 3-4 हजार रुपया मैडम, महीना दे देता था मैडम, और दोस्त लोग को भी खिलाता था पिलाता, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गलत बोल देता है, किसी के साथ गलत होता था तो उसको, माँ देखो ऐसे ऐसे उसको साथ कर रही, अच्छा बात नहीं है माँ, किसी के साथ गलत भी होता है तो बर्दाश्त नहीं करता था, उसको बोलता था हाँ इतना अच्छा लड़का, घर में भाई बहन भाई को भी मदद करता था, बाप को भी मदद करता था, हमको भी बोलता था तुमको क्या किसी कमी है, तुम खाओ पियो रहो ना, हम पिलाएंगे ना, देता था मैडम, 7 बजे जाता था सर, रात को 10 बजे आ जाता था मैडम। कौन बताया कि रोहित के साथ ऐसे ऐसी घटना हुई है? आलोक, आलोक वो हरियम टावरे में वो भी लड़का काम करता है, हाँ बाथरूम वाथरूम धोता था, वही लड़का बताया और वही लड़का फोन करके बुलाया मैडम, वही लड़का बुलाया। क्या मांग करती हैं आप? हम मांग करते हैं कि जो लोग मारा है उन लोग को फांसी हो जाए, इंसान मिले, एक माँ का दर्द को समझिए, और ऐसा फांसी दीजिएगा ना तो कोई माँ मेरा जैसा नहीं होगा, अभी मेरा दुनिया अंधार हो गया, कलेजा फट गया मैडम, मेरा इतना अच्छा लड़का, मेरा लड़का खराब रहता तो हम खुद बोलते कि ठीक हुआ, लेकिन नहीं, मेरा लड़का बहुत अच्छा, माँ माँ करते रहता था, माँ माँ भूख लग रहा, माँ नाश्ता भेजो जल्दी, दौड़ता दौड़ते जाते तो नाश्ता पहुँचाने मैडम, और वहाँ भी सब पे मानता था, सब पे चाहता था उसको मैडम, मेरा बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा, अगल बगल से भी पूछ लीजिए, किसी के साथ गलत नहीं किया मैंने, बिल्कुल, तो कुशल व्यवहार था सुष्मिता, और यही वजह है कि सभी पसंद करते थे, समय से एक अनुशासित लड़का था, कमाई करके पैसे जो है अपने घर में माता पिता की भी आर्थिक रूप से मदद किया करते थे रोहित, और ऐसे में जो रोहित को के दोस्त थे आलोक, उनके माध्यम से जानकारी मिलती है कि रोहित के साथ इस तरह की घटना हुई है, रिम्स जाते हैं परिजन तो पता चलता है कि रोहित की मौत हो चुकी है, और ऐसे में यहाँ जितने भी आसपास के लोग हैं, एक बार दिखाना चाहूंगी कैमरे के माध्यम से कि जो लोग हैं उन्हीं का कहना है कि रोहित अच्छा लड़का था, मिलनसार था, हसमुख था, कोई भी गलत आदत नहीं थी रोहित के पास, गलत आदतें नहीं थी, और ऐसे में जब झगड़ा होता है, यानी कि कुछ लड़के होते हैं, कुछ उचक्के होते हैं, हालांकि अज्ञात लोगों पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है, उन तक सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, और ये पूरा मामला क्या कुछ रहा ये जरूर समझ पा रहे हैं हम कि मेला घूमने के दौरान ये पूरी मारपीट की घटना होती है, कारण क्या कुछ रहा है इसके पीछे, ये जांच का विषय है, और फिलहाल न्यूज 11 भारत अब भी उन दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता है। रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तस्वीर हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे, राज्यसभा से सांसद है महुआ मांझी वो यहां पर पहुंची हैं, और परिजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया है ताकि दोषियों पर उचित जल्द कार्रवाई हो सके।